ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे शत प्रतिशत शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट। रोजाना 1 रुपए देकर 2.25 लाख तक का उपचार मुफ्त, राज्य सरकार ने शुरू किया यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्यक्रम। शुरू करने के लिए देश का पहला राज्य बना हिमाचल। सोलन में भाजयुमों ने मंडलाध्यक्ष पर हुए हमले के विरोध में निकाली रैली, प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की उठाई मांग। सुंदरनगर में बीएसएल नहर में गिरी जीप, युवकों ने बचाई 5 की जान। घटना स्थल पर पैराफिट व बैरियर की जगह लगा था मिट्टी का ढेर। और पंडो के समीप स्क्रीनी गांव में आग की भेंट चढ़ा 2 मंजिला मकान, आग की चपेट में आने से एक की हुई मौत। जिले में शराब ठेकों का विरोध तुल पकड़ता जा रहा है। शराब ठेकों के विरोध में आधी दुनिया सड़कों पर उतर आई है। वहीं वीरवार को सुंदरनगर के साथ लगती नलवाड़ खड्ड में खुल रहे शराब के ठेके के विरोध में स्थानीय लोगों व महिलाओं ने एक रोष रैली निकाली। सुंदरनगर के साथ लगती नलवाड़ खड्ड में खुल रहे शराब के ठेके के विरोध में वीरवार को स्थानीय लोगों व महिलाओं ने एक रोष प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर नलवाड़ खड्ड के साथ स्कूल व डेंटल कॉलेज स्थापित होने के साथ ही मेले में होने वाली छिंच का भी आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर राजाओं के जमाने की पानी की बावड़ी है, जिससे सभी लोग पानी पीते हैं। इनका कहना है कि अगर यहाँ ठेका खुलता है तो बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, जिसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। हमने सुना है यहाँ हमारे नलवाड़ खड्ड में शराब का ठेका खुलने जा रहा है, हम इसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पब्लिक प्लेस है, बहुत सी औरतें यहाँ पीपल के पेड़ है, हर रोज पूजा करने आती है, पास में स्कूल है, हर चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे शराब का ठेका खुलने से लोगों को बड़ी परेशानी होगी, इसलिए हम सब औरतें यहाँ इकट्ठे होके इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर ये आम रास्ते आने जाने के लिए लोगों को परेशानी होगी, आने जाने के लिए छोटे बच्चे जाएंगे, हमारे घर की लड़कियाँ जाएंगी, औरतें अकेले आ जा नहीं सकती यहाँ से, तो इसलिए हम सब इसका जो है विरोध करते हैं। हमारे यहाँ नगौन बावड़ी में जानकारी प्राप्त हुई है कि शराब का जो ठेका है उसकी दुकान खुलने जा रही है। लगभग जो नगौन बावड़ी है बड़ी प्रसिद्ध है पूरे स्केत में, यहाँ का पानी भी बाजार वाले भी पीते हैं, अम्बेडकर नगर वाले भी, बनाया गांव वाले भी पीते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लेडीज़ पानी भरने भी आती है। पीपल के 3 टियाड़े हैं, मंगलवार और शनिवार को लेडीज शाम को यहाँ पूजा भी करती हैं। छिंज का भी स्टेडियम है, आम रास्ता है, गांव से गर्ल्स स्कूल में बच्चे जाते हैं। और 150 मीटर के करीब जो है एक स्प्रिंग फील्ड जो है यहाँ स्कूल है, साथ ही हमारे यहाँ डेंटल कॉलेज भी है। तो पूरे आस पड़ोस वाले गांव निवासी अम्बेडकर नगर के और जो भी हमारे डेंटल कॉलेज के नज़दीक के बासिंदे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लगभग 40-50 औरतें आई हैं, 50-60 हमारे युवा आए हैं, सब इसके विरोध में। हमने एसटीएम से भी बात की है, उनको ज्ञापन दिया है। एसटीएम महोदय ने भी यह कहा कि भी हमें जो है एक्साइज टैक्सेशन वाले पूछते नहीं, जानकारी नहीं प्राप्त करते, कहाँ खोलना है कहाँ नहीं, ये विषय इनका है। लेकिन जो हमने ज्ञापन दिया था उन्होंने जो है असिस्टेंट कमिश्नर मंडी को जो है वो भेज दिया है, कार्रवाई वही करेंगे। उन्होंने बताया कि ठेके के विरोध में उनका रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर लगभग 100 लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सुंदरनगर उपमंडल के डहर स्थित अनाथालय के पास 14 अप्रैल को चाइल्ड लाइन मंडी को एक बच्चा मिला है। बच्चे के मूक व बधिर होने के कारण इसके अते पते की जानकारी नहीं मिल पा रही है। बहरहाल इस बच्चे को मंडी के नागचला स्थित सहयोग स्कूल में भेज दिया गया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने लोगों से इस बच्चे के बारे में किसी को भी कोई जानकारी होने पर इसकी सूचना उनके कार्यालय या फोन नंबर 2211148 पर देने का आग्रह किया है। चाइल्ड लाइन मंडी को एक बच्चा सुंदरनगर उपमंडल के डहर स्थित अनाथालय के पास 14 अप्रैल को मिला। यह बच्चा पूरी तरह से मूक व बधिर है। चाइल्ड लाइन ने इस बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करते हुए जब तक इसके परिजन नहीं मिल पाते तब तक इसे किसी सुरक्षित जगह पर रखने का आग्रह किया।
इस पर बाल कल्याण समिति ने इस बच्चे को जिला बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से सुरक्षित जगह पर भेजने के आदेश दिए। जिला बाल संरक्षण अधिकारी धुनीचंद ठाकुर ने बताया कि बहरहाल इस बच्चे को मंडी के नागचला स्थित सहयोग स्कूल में भेज दिया गया है ताकि उसे अपनी तरह का वातावरण मिल सके। जिला बाल संरक्षण अधिकारी धुनीचंद ठाकुर ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि इस बच्चे के बारे में किसी को भी कोई जानकारी हो तो वे इसकी सूचना उन्होंने उनके कार्यालय या फोन नंबर 221148 पर देने का अनुरोध किया है ताकि इस बच्चे को सही ठिकाना मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आईटी इंडस्ट्री में विश्व विख्यात एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन की सुंदरनगर शाखा में 2017-18 में कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि जो अभिभावक निधि की कमी के चलते अपने बच्चों को आगे पढ़ाई करवाने में अक्षम है वह एपटेक इंस्टीट्यूट में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास भत्ते के तहत स्वीकृत निधि के अंतर्गत दाखिला ले सकते हैं। एपटेक इंस्टीट्यूट सुंदरनगर में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत 60 प्रशिक्षु छात्रों ने अपनी वार्षिक परीक्षा में भागीदारी सुनिश्चित की है जिसको लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान के चैनल की टीम द्वारा उनके अनुभवों को साझा किया गया। And it provides great opportunities for the IT people. So I recommend this institute for all the people who are interested to pursue or to make good career in IT companies. आजकल की लड़कियों के लिए कंप्यूटर बहुत ही नेसेसरी है क्योंकि एवरी फील्ड जो है आजकल रिलेटेड है कंप्यूटर से, तो ऐसा कोई भी वर्क नहीं है जो हम विदाउट कंप्यूटर कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हर कोई इसके बारे में नॉलेज ले। मैंने इसके लिए एपटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आप भी करें। इसमें बहुत सारी जो फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम में हैं या थोड़े वीक हैं उनके लिए यहाँ पे अलग ऑफर्स हैं, तो अगर जो कोई भी करना चाहे वो यहाँ आके कर सकता है। मैं एपटेक सुंदरनगर में कोर्स कर रही हूँ कंप्यूटर का, तो बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो जो भी मतलब करना चाहे यहाँ पे ज्वाइन तो वो कर सकते हैं। और मुझे भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा और बहुत नॉलेज मिली, तो मैं चाहती हूँ कि जो कोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वही केंद्र निदेशक द्वारा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए उद्योगपतियों से अपने कैंपस में साक्षात्कार करवाने का आग्रह किया गया और साथ ही अन्य छात्र छात्राओं से 2017-18 में कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लेकर अपने सुनहरी भविष्य को संवारने का आह्वान किया गया। सुंदरनगर एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ से मैं सुंदरनगर और मंडी जिला के सभी पेरेंट्स के लिए अपील करता हूँ कि जिनको अपने बच्चों के लिए करियर में अपनी प्रोफेशनल स्टडी करने के लिए उनको फाइनेंशियली इश्यूज आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें कि वो अपने बच्चों के लिए सरकार से फंडिंग वाले कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अभी आज हम लोगों ने 2016-17 के सेशन में 60 के आसपास स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आज मीडिया के थ्रू हमने एक ओपनली सब लोगों के लिए ऑफर करा कि 2017-18 के सेशन के लिए हम लोगों ने एडमिशन्स लेना शुरू कर दिया है। तो जो भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और सरकार की तरफ से कुछ फंडिंग चाहते हैं वो एपटेक सुंदरनगर चित्रोपड़ी सेंटर में विजिट कर सकते हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल इंपोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इंपोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान
फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. कोचिंग इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पटल मंडी, हिमाचल प्रदेश. एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहटा बाजार, टाउन मंडी, प्ले वे विद क्रैच. एडमिशन ऑल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज, मंडी. वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान. यहां आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने. वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से पढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में. हमारे यहां ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है. वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में. हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है. वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है. तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान. संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश. रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम. मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार. यहां पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं. इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है. यहां पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण. रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण. साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है. आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नीर चौक. हिमाचल प्रदेश में नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की कवायद तेज कर दी गई है. इस सुविधा को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने कदम उठाए हैं. जिन क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किए जाने पर अपार संभावनाएं हैं और जहां पर पर्यटक कम पहुंचते हैं, वहां पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपनी इकाइयां स्थापित की है. पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को इसका फायदा हो और स्थानीयों को भी लाभ पहुंच सके, इसके लिए हिमाचल प्रदेश में नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की कवायद तेज कर दी गई है. बताया जाता है कि यहाँ कई स्थान ऐसे हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन राज्य में आने वाले पर्यटक ऐसे स्थानों से अनजान हैं. इसके चलते हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने ऐसे स्थलों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने जिला शिमला के कुपर क्षेत्र को स्कीइंग गंतव्य के तौर पर तलाशा है. कुपर में स्कीइंग की अपार संभावनाएं हैं और यहाँ की स्कीइंग ढलानों में मई के आखिर तक बर्फ रहती है. बीते मार्च माह में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने यहां पर स्कीइंग अभियान चलाया था ताकि यहां पर स्कीइंग की संभावनाओं को तलाशा जा सके. वर्तमान में कुपर क्षेत्र के बारे में अधिक पर्यटकों को नहीं पता है. यह क्षेत्र ग्रास स्कीइंग, हेली स्कीइंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग व पैराग्लाइडिंग के लिए भी उपयुक्त पाया गया है. ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल. हिमाचल में क्लास 3 और 4 के सरकारी पदों को लेकर इंटरव्यू प्रथा समाप्त कर दी गई है. राज्य में अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती लिखित परीक्षा की मेरिट या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगी. इस बारे प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. ऐसा होने से अब बेरोजगार युवाओं को इंटरव्यू की सिफारिश को लेकर नेताओं या अन्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. जारी अधिसूचना में सरकार ने क्लास 3 और 4 के सरकारी पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों को लेकर मापदंड भी तय किए हैं. प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 85 अंकों की होगी. शेष 15 अंक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व अन्यों के होंगे. तृतीय श्रेणी के लिए 15 अंकों में 2.5 नंबर भर्ती व पदोन्नति नियम के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे. परिवार के किसी भी सदस्य के सरकारी या गैर सरकारी नौकरी पर नहीं होने का 1 अंक,
40% से ऊपर अक्षम होने का एक अंक, NSS प्रमाण पत्र का एक अंक, PPL परिवार का जिसकी वार्षिक आय 40,000 रुपए से कम हो के दो अंक, विधवा तलाकशुदा या एकल नारी को एक अंक, एकल बेटी या अनाथ का एक अंक, संबंधित पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम 6 माह का प्रशिक्षण होने का एक अंक तथा किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में 5 साल या इससे अधिक का अनुभव होने के 2.5 अंक दिए जाएंगे या फिर अनुभव का हर साल का आधा अंक दिया जाएगा। सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर भी नए सिरे से मापदंड तय किए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। ऐसे में 85 अंक निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर दिए जाएंगे। प्रदेश में आयोग या बोर्ड द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए पहले ही आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं। उस सूरत में यदि किसी भर्ती परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा अभी नहीं हुई है तो उनके लिए भी साक्षात्कार नहीं होंगे। इसके लिए आयोग अनुपूरक विज्ञप्ति तत्काल जारी करेगा जिसमें स्पष्ट होगा कि लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार नहीं लिए जाएंगे। साथ ही यदि पदों की भर्ती की प्रक्रिया 31 मई तक पूरी हो जाएगी तो उस सूरत में ये आयोग या बोर्ड पर निर्भर करेगा कि वह पूर्व की तरह साक्षात्कार ले सकता है या फिर बिना साक्षात्कार के जारी अधिसूचना के तहत अंकों को दे सकता है। साक्षात्कार के अलावा यदि किसी श्रेणी की भर्ती के लिए स्किल टेस्ट व फिजिकल टेस्ट की आवश्यकता है तो वह पूर्व की भांति ही होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने बजट भाषण में क्लास 3 और 4 के सरकारी पदों को लेकर इंटरव्यू प्रथा समाप्त करने की घोषणा की थी। ऐसे में अब सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आगामी 5 जून को आयोजित की जाने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा 150 अंकों की होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रारूप तैयार कर लिया है। इस प्रारूप के तहत बीएड की प्रवेश परीक्षा में छात्रों से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न मल्टीपल च्वाइस होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बीएड में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा और मेरिट के लिए क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 35% अंक हासिल करने होंगे, यानी कि प्रवेश परीक्षा में 150 में से कम 53 अंक हासिल करने होंगे। बीएड की प्रवेश परीक्षा के दौरान छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। सामान्य ज्ञान में मुख्य रूप से भारत व हिमाचल प्रदेश से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे भाग में उम्मीदवारों से लैंग्वेज व कम्प्रिहेंशन के कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तीसरे भाग में उम्मीदवारों को लॉजिकल रीजनिंग के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। चौथे भाग में उम्मीदवारों से शिक्षा पर कमीशन व कमेटियों से जुड़े ज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पांचवें व अंतिम भाग में उम्मीदवारों से टीचिंग एप्टीट्यूड व एटीट्यूड पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए अम्ब, बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, नाहन, पालमपुर, रामपुर, शिमला, सुंदरनगर, सोलन व ऊना में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रोजाना 1 रुपए देकर 2.25 लाख तक का उपचार मुफ्त। राज्य सरकार ने शुरू किया यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्यक्रम। शुरू करने के लिए देश का पहला राज्य बना हिमाचल। सोलन में भाजयुमो ने मंडलाध्यक्ष पर हुए हमले के विरोध में निकाली रैली। प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की उठाई मांग। सुंदरनगर में BSL नहर में गिरी जीप, युवकों ने बचाई 5 की जान। घटनास्थल पर पैराफिट व बैरियर की जगह लगा था मिट्टी का ढेर। और पंडोह के समीप स्क्रीनी गांव में आग की भेंट चढ़ा 2 मंजिला मकान। आग की चपेट में आने से एक की हुई मौत।